गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं चैनल अद्धा गो टेक में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि योनो एसबीआई जो ऐप है फ्रेंड्स, योनो एसबीआई, जिसमें आप अपना मतलब अपना खाता भी उसमें बना सकते हैं एंड आप उसमें बहुत कुछ आप जानते होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका नंबर वेरीफाई नहीं कर पा रहा है योनो एसबीआई जो ऐप है फ्रेंड्स, आपका नंबर वेरीफाई क्यों नहीं कर पा रहा है, मैं आपको इस बारे में जानकारी देने वाला हूँ एंड ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा इस बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड फ्रेंड्स, मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ गया हूँ एंड फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो योनो एसबीआई है फ्रेंड्स, उसमें हम लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, अपना योनो एसबीआई सबसे पहले ओपन कर लेना है एंड फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा योनो एसबीआई अभी लॉग इन होने वाला है, मतलब अभी ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको भी ओपन होने देते हैं, थोड़ा समय लग रहा है फ्रेंड्स, तो आप भी इंतज़ार कर लीजिएगा। जब तक फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा योनो एसबीआई जो ऐप है वो ओपन हो चुका है एंड मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे नीचे फ्रेंड्स नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप ये देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपका जिस भी सिम कार्ड लगा रहेगा फ्रेंड्स, आपका सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए, मेरा सिम वन में मतलब सिम कार्ड है, यहाँ पर आ गया नेक्स्ट का ऑप्शन, तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है, कैन नॉट सेंड मैसेज, ठीक है, नाउ प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा मैं आपको इस बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि इससे फ्रेंड्स सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं होना। फ्रेंड्स, आपके जो भी मतलब जो भी सिम कार्ड से यहाँ पे आपका इसमें रजिस्टर है, उसमें फ्रेंड्स अगर आपका रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज अगर है भी फ्रेंड्स, अगर आपको मैं बता दूँ आपके नया प्लान के मुताबिक, तो फ्रेंड्स आपका नया प्लान जो है 99 रुपीज़ का हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 99 रुपीज़ में आपको मिलता है, जिसमें तो फ्रेंड्स वो क्या होता है, सिम बस चालू रखने के लिए होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें लॉगिन करना है तो आपको अनलिमिटेड वाला रिचार्ज कराना होगा फ्रेंड्स, तभी ये मतलब उसको वेरीफाई कर पाएगा आपके मोबाइल नंबर को, तभी फ्रेंड्स आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के से सिम कार्ड लगा हुआ है, उस सिम कार्ड में अनलिमिटेड वाला रिचार्ज कराना है फ्रेंड्स। अनलिमिटेड रिचार्ज आप करा लेंगे फ्रेंड्स, तो फिर आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अनलिमिटेड वाला आपको रिचार्ज कराना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसमें अनलिमिटेड रिचार्ज करा के दोबारा आप अपने मतलब योनो एस में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा वीडियो को।